साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं गढ़ी नोवाबाद में मिंटू प्रधान जी के यहां पे। और भाइयों ट्रेंच विधि द्वारा 48 इंची पे गन्ने की खेती कर रहे हैं और छोटा ट्रैक्टर है इनके पास में, कुबोटा A211N। तो पिछले वर्ष प्रधान जी की वीडियो बनाई थी, उससे बाद में एक साल हो गया। आज मैं दोबारा से प्रधान जी के पास में आया हूँ और वैरायटी को लेकर भी है कि इनके पास में भाइयों 13235 है और इतना शानदार 13235 बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। 0238 से भी ज़्यादा हाइट है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले प्रधान जी से मिलवा दो एक बार, बाकी की चर्चा इनसे ही करेंगे। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी भाई, क्या हाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। थोड़ा सा तो किसान भाइयों को अपना परिचय करा दो जी। जी मेरा नाम अजय कुमार जी, सनोम महेंद्र सिंह, अच्छा गांव गढ़ी नवाबाद जिला मुजफ्फरनगर जी जी। तो प्रधान जी 48 इंची पे ट्रेंच विधि द्वारा लगभग कितने वर्षों तक खेती कर रहे हम? बोलिए जी 9 साल। 9 साल जी। तो ट्रैक्टर जैसा आप छोटा ट्रैक्टर ही ले रखा आपने, कुबोटा A211N है, तो 48 इंची पे कोई समस्या नहीं आ रही ना जी? कोई समस्या? बढ़िया चला जी, बढ़िया। अच्छा पेडी वेडी के में जुताई से हो जा कोई समस्या? हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, मिट्टी चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है जी? जी जी, 48 इंच पे कोई दिक्कत नहीं। 48 इंच तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करें प्रधान जी, जैसा गन्ने की वैरायटी है आपके पास में 13235 और आपके पास में तो 0238 भी शानदारी खड़ा। एक सेकंड। तो प्रधान जी जैसा वैरायटी है आपके पास में जी 13235, इसका क्या लग रहा है जी किसान को बोई करने? इसका तो बढ़िया लग रहा है जी, हमें तो देखा 2 साल तक बो रहे हैं। अच्छा 2 साल से बो रहे जी। मुड्डा भी काट लिया जी जी, बोर्ड भी काट लिया, अभी बार फिर बोर्ड है। अच्छा क्या उत्पादन लग रहा है जैसा? कुछ उत्पादन कम बता रहे इसमें? मुझे तो लगता नहीं, 38 से कम नहीं कहते भी ना। अच्छा बीमारी की बात कर रहा है? बीमारी की बात तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें बीमारी भी नहीं बिल्कुल भी। देखो खूब बचाया गया, स्प्रे कर रखी। हाँ जी हाँ जी, पर 38 था इसमें, यहाँ 35 था, लेकिन उससे तकड़ा हो गया। उससे तकड़ा हो गया जी जी। तो एवरेज लगभग ये मान लो कि 38 से कम देने का नहीं हो बिल्कुल। हाँ जी, और नहीं चलो दे भी 2-10, 5 क्विंटल। हाँ तो इसी को बात बचा है। हाँ इसी को बात बचा है। तो प्रधान जी अब की बार तो बुआई करी होगी इसी पर? हाँ जी करी करी, मार्च के गन्ने की कर दी, फागण का गन्ना बो दिया। और बाकी यो अपना आपने सरसों की कटाई के बाद? सरसों की कटाई और लग रही इसमें जी जी। और इससे अलग आपके पास में जैसे 0238 भी अच्छा ही खड़ा? हाँ 38 भी अच्छा खड़ा, तो होगा खड़ा इधर। हाँ जी, तो दवाई तो आप अपना कोरल जी चल रही जी? कोरल जी जी, पिछले साल तक। हाँ जी जी, मजा बांध रखा दवा ने, मजा बांध रखा जी, मतलब गन्ना हो रहा बढ़िया वाला, बढ़िया वाला। सामने भाइयों देखो गेहूं का बोर्ड खड़ा, मैं प्रधान जी के पास में थोड़ा सा लेट आया गन्ना डाल देना सब, क्योंकि सेंटरों पर तो छूट चल रही और अब गन्ना भी कभी एंड से आ रहा है नहीं प्रधान जी? हाँ पर रह रहा 15-20 बीघे। हाँ थोड़ा ही रह रहा। तो भाइयों 13235 गन्ना वैरायटी की किसान जरूर बुआई करें। और बाकी का जो प्रधान जी ने ये कोरल जी बताया, आज वीडियो बनाई इस पर भी और नंबर भी दे दिया, तो अपना से संपर्क करके आप ऑनलाइन भी अपना दवाई मंगा सके या इससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सके। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। तो भाइयों देखो अब प्रधान जी के मैं दूसरे खेत में आया हूँ, वहाँ 12 पे से दिखाया वो खेत अल्लाह हो रहा, ये गेहूँ की कटाई के बाद का गन्ना इनका। तो प्रधान जी कब की बुआई है इसकी? इसकी है जी 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल की जी, गेहूँ के बाद। अच्छा गेहूँ के बाद। इसमें कितने स्प्रे करे जी आपने? इसमें दो स्प्रे जी। कौन कौन सी का करे थे? कोरल जी टर्मिनेटर। अच्छा उन्हीं के दोनों कितने कितने दिन के अंतराल पे? बस अनुमान लो तो मैं इसमें जो लाइन में मारी थी पहली स्प्रे। हाँ जी। एक फिर बाद में मारी, एक फिर बाद में मारी। हाँ उससे पहले इनका पता नहीं था मुझे। हाँ जी, तो मैं फिर जब इनका नंबर मिला उससे बाद में 2 ओवर का ही मौका मिला करने का, 2 ओवर के मैं पार हो। अच्छा टॉप ओवर से ही खत्म? एक मनी है कहीं जी, 38 खड़ा सारा, 38 खड़ा भाई ये देख लो जी। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। तो प्रधान जी गन्ना तो जैसा घूम के देखा चकपा बढ़िया लगा, आपका तो थारी मौज आ गई। मौज आ गई जी, हैं कते का एवरेज आ गया? महाराज मुड्ढे का तो आया 100 का। मुड्ढे का 100 का, ठीक है जी। और जो बोर्ड काटने लग रहे? हाँ जी। गेहूँ 80? हाँ गेहूँ वाला। अच्छा और मार्च वाला भी जो आप बुआई करे जो मार्च की? हाँ जी। थोड़ी लेट हुई थी हमारा। हाँ हाँ उसका 90 का। उसका 90 का। और तो आपका तो गन्ने ना लिख रहे, तो दवाई का मानो जी रिजल्ट है? दवाई का रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल।